हेलो एवरीवन, दिस इज बिलावल चंदोरानी। एक्सेल सीरीज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास मैं हाजिर हो गया हूँ। अच्छा जी, इस वीडियो में हम डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस यानी डेटा एनालिसिस का ऐसा टूल जो कि एक्सेल में मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो वो तमाम लोग जो कि एक्सेल में डील करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि आप डेटा बेस का जो है एनालिसिस कर सकते हैं बहुत सी ज़बरदस्त सी करते हुए। अच्छा जी, फेमिलियर होते हैं डैशबोर्ड से, बट डेटा हमारे पास वही है जो हम पिछली वीडियोस में यूज़ करते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा हम डेटा को कुछ डिफरेंट स्टाइल में देखेंगे। यानी कि डेटा की इंटरप्रिटेशन जो करेंगे वो हम करेंगे एज एन एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्क्रीन में। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है एक डेटा का। डेटा पे आए, डेटा पे जैसे ही आए तो डेटा में एक लास्ट ऑप्शन आपको दिख रही है डेटा एनालिसिस की। अच्छा, इसके बारे में मैं ये बताते चलूँ, ये बहुत सारे सिस्टम्स में जब आप खुद जाके प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे तो आपके पास इनेबल नहीं होगी, शो ही नहीं होगी। उसकी वजह कि ये जो फाइल है ना डेटा एनालिसिस की, ये एड इंस की फाइल है। अब एड इंस की फाइल्स क्या है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। अगर हम फाइल्स में आते हैं, फाइल्स में आते हैं और मोर में आते हैं, मोर में एक ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास एक डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें एक्सेल के डिफरेंट, इसमें अगर सेकेंड लास्ट ऑप्शन में आप जाते हैं तो एड इंस है, यानी एड इंस्टॉलेशन। एक्सेल की अपनी एक लाइब्रेरी है जिससे आप मुख्तलिफ टूल्स जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक टूल है जो कि आप एड इंस के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये इनेबल क्यों नहीं होता? इनेबल यूँ नहीं होता है क्योंकि ये जो फाइल है ना आपकी डेटा एनालिसिस की, ये तकरीबन 25 to 30 MB की फाइल है, तो अमूमन लोगों को ये यूज़ नहीं करना, यूज़ करना होता है, तो इसको डिसेबल रखा गया है एक्सेल की तरफ से। तो अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। आप एड इंस में आए, एड इंस में आने के बाद एक्सेल एड इंस में सेलेक्ट, या अगर डिसेबल होगा तो डिसेबल आइटम्स आपके पास शो हो रहा होगा, आपने एक्सेल एड इंस को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। तो डेटा में आपके पास ये जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगी। अच्छा जी, अब डेटा एनालिसिस के ऑप्शन के अंदर जाते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। डेटा एनालिसिस को हमने सेलेक्ट किया है तो इसमें डिफरेंट किस्म के ना एनालिसिस हैं, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, हिस्टोग्राम है। उसके साथ साथ अच्छा, एनालिसिस तीन किस्म के होते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, एक होता है कंपैरेटिव एनालिसिस और एक होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो भी डेटा आपके पास होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि उस डेटा की वर्थ क्या है, एवरेज क्या है, वैल्यूज में कौन सी है, कितनी वेरिएशन है डेटा में, इस तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। ऐसे ही कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, जब दो वैल्यूज़ या दो डेटा के दरमियान कोई कंपैरिजन किया जाता है, उसके बाद कोई डिफरेंस निकाले जाते हैं या कंपैरिजन के बाद कोई रेशो निकाला जाता है, तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। और थर्ड होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, डेटा को यूज़ करते हुए आप एस्टिमेशन पे चलते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे हम कॉस्टिंग करते हैं अकाउंटिंग में, तो वो बेसिकली प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है। अच्छा चलें जी, ये थोड़ा सा डेटा के बारे में बात हो गई। अच्छा, हम यहाँ पे काम करेंगे, हमारे पास सेट है, इस पे हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करवाना है। हमने सेलेक्ट कर लिया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ओके किया, तो हमसे वो कुछ डिमांड कर रहा है डेटा। वो चाह रहा है कि इनपुट रेंज, आपकी रेंज क्या है। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ, डेटा थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करता है, यानी डेटा एनालिसिस जो है इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस भी थोड़ी सी इन्वॉल्व है, एक्सेल में भी है और अगर गूगल डॉक्स की बात करें उसमें भी है। जैसे ही आपने ये सेलेक्ट किया है ना, तो ऑटोमेटिक ये डेटा उसमें, उसको अंदाज़ा हो गया इस चीज़ का कि ये रन्स के डेटा को ही हमने जो मैनेज करना है, तो ऑटोमेटिक उसने रेंज सेलेक्ट कर ली। अगर ये रेंज ऑटो सेलेक्ट नहीं हुई आपके पास, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेटा पे आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे लेबल इन फर्स्ट रॉ। लेबल इन फर्स्ट रॉ का मतलब ये है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो क्लिक था चूँकि डेटा जो एक्सेल है वो समझ चुका था कि मुझे क्या इसमें परफॉर्म करना है, मैंने इसको हटाया तो वो डेटा सेट ही खत्म हो गया, ठीक है। लेबल इन फर्स्ट रॉ का मतलब ये है कि जो रॉ आपने डेटा के लिए सेलेक्ट की है, जैसे कि ये रॉ है, जो रॉ आपने डेटा के लिए सेलेक्ट किए है उस रेंज में जो पहला कॉलम है वो क्या है, वो लेबल है, यानी वो हेडिंग है। इस कॉलम को हटाया, अब इनपुट करने के लिए दोबारा हम इसको मैनुअल इनपुट कर, तो ये इनपुट कर दिया हमने डेटा रेंज। अब पूछ रहा है, चूंकि हमने इसकी पहली जो हेडिंग है वो भी सिलेक्ट की है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी पहली हेडिंग को यानी पहले कॉलम का लेबल लगाना है। हाँ भाई, इसको एज अ लेबल लेना है, यानी एज अ हेडिंग लेना है। इस पर क्लिक किया, उसके बाद हमसे पूछ रहा है भाई
न्यू वर्कशीट आपको ये जो डेटा सेट एनालिसिस है न्यू वर्कशीट में चाहिए, न्यू वर्कबुक में चाहिए, मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए, इस पर मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद है स्टैटिकल समरी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मेन चाहिए, कैथ लार्ज चाहिए। अच्छा ये कैथ लार्ज इन सबको छोड़ दें, स्टैटिकल अगर समरी स्टैटिस्टिक्स की बात करें आपके पास आ जाएगा। समरी स्टैटिस्टिक्स पर आपने क्लिक किया, जैसे ही ओके किया तो एक डेटा सेट आपके पास यानी एक एनालिसिस बन के दूसरी नई शीट पे आ गया। अभी एनालिसिस हमें बता क्या रहा है, इस एनालिसिस में हमारे पास मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीडियन है, मॉड है, और उसके साथ साथ रेंज भी दी जा रही है, मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम रन्स कितने हैं, मिनिमम रन्स कितने हैं, सम कितना है टोटल रन्स का, काउंट कितना है 50 काउंट यानी 50, ये डेटा अवेलेबल था। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि एवरेज जो है ना इसमें अगर आप मीन देखें, अगर आप मीन देखें, इसमें मोड देखें और मीडियन की बात करें या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, ये तो सारे एवरेज के काइंड्स हैं। एवरेज की कहते हैं कि 600 प्लस काइंड्स हैं जिस पर एवरेज कैलकुलेट होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एवरेज को कंसिडर करते हैं डेटा को देखते हुए। किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डेटा जो है वो है क्वालिटेटिव यानी कैटेगोरिकल डेटा है, यानी क्वालिटी बेस्ड है, डेटा ऐसा है जिसमें कैटेगरीज है, मिसाल के तौर पर डेटा है कि मेल और फीमेल, तो इस डेटा पे हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे एवरेज वो मोड की एवरेज करेंगे यानी रिपीटेशन मैक्सिमम कितनी दफ़ा किसकी हुई तो मैं डिफाइन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। और अगर आपके पास डेटा है न्यूमेरिकल यानी कि नंबर में डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है, तो ऐसे डेटा पे आप मीन और मीडियन की जो है एवरेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। भारत आगे चलते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर कितना यानी कि जो एवरेज निकली है उसमें एरर का चांस 1.7 है। स्टैंडर्ड डेविएशन एरर में इसमें डेटा में डेविएशन कितनी है, इसमें उसके बाद सैंपल वेरिएंस है, कर्डोसिस स्क्यूनेस का मतलब बेसिकली टेढ़ापन होता है यानी कि डेटा में कितना टेढ़ापन है, कितना जो है डेटा में इनकंसिस्टेंट डेटा, रेंज 56 की है, मैक्सिमम वैल्यू 66 है, मिनिमम ये है, तो ये आपको एक प्रॉपर फिगर दे रहा है, प्रॉपर एक समझने पिक्चर दे रहा है आपके डेटा के हवाले से। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो टूल्स हैं, मैंने तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव को ही जस्ट मैंशन किया, आप लोग बहुत सारे और भी टूल्स हैं और भी इसमें ऑप्शन है जिसको यूज़ करते हुए ना आप डेटा एनालिसिस को मज़ीद समझ सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अगर थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई है आपकी इंफॉर्मेशन में तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें और उन बताते रहें वीडियोज़ को जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि बीइंग ए पाकिस्तानी हम अपनी इस ड्यूटी को परफॉर्म करते रहें कि हमें लोगों को सिखाना है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वीडियो में तो उसके लिए माजरत, बाकी इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए जस्ट इंफरटेनमेंट के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।